फाइनली गाइस सैमसंग ने लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन सैमसंग M30s। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन का प्राइस आपको 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा और 15,000 रुपीज के अंदर अभी तक राज करते आ गया है वीवो की तरफ से वीवो Z1 Pro। दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर काफी सारा दोस्तों कंफ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर, इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन 15,000 रुपीज के अंदर किलर डिवाइस होने वाला है। क्या अभी मेरी तरह कंफ्यूज हो, क्या अभी जानना चाहते हो इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में इस दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए 15,000 रुपीस के अंदर। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस के हिसाब से। लेकिन गाइस यहां पर ज्यादातर स्पेसिफिकेशन के बारे में डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। दोस्तों देख लेते हैं कौन सा स्मार्टफोन 15,000 रुपीज के अंदर, क्योंकि इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन 15,000 रुपीज के अंदर बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। गाइस यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M30 की बात किया है तो यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी की डिजाइन देखने को मिलेगा, बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का बॉडी आने वाला है, उसी के साथ साथ बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैक्स और फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच, और इसका डिस्प्ले का जो बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहना की बात है दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30 उसका प्राइस का सबसे बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी प्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पर वीवो Z1 Pro की बात किया है तो यहाँ पर बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का बॉडी देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैक्स और फ्रंट साइड की तरफ बात किया है दोस्तों यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की तरफ एक 5 झोल और डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। कहना की बात दोस्तों यहाँ पर अगर बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में बात किया है दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है वीवो की तरफ से वीवो Z1 Pro। अगर आपको वाटर ड्रॉप नॉच पसंद है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M30s। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहां पर डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है सैमसंग गैलेक्सी M30s, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाएगा। कहना की बात दोस्तों बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M30। और वहां पर वीवो Z1 की तरफ देखा जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, उसी के साथ साथ 5 होल और डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। कहना की बात दोस्तों वीवो भी बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहा है 15,000 रुपीज के अंदर। लेकिन गाइस यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात किया दोस्तों बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M30s के तरफ, इसलिए यहां पर डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल विनर रहता है सैमसंग गैलेक्सी M30s। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। गाइस यहां पर प्रोसेसर के बारे में सैमसंग ने फिर से बाजी मारा, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, और यहाँ पर जो जीपीयू देखने को मिल जाएगा Mali-G72 जीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया, उसी के साथ साथ पबजी जैसा गेम स्मार्टफोन के अंदर माखन की तरफ चलने वाला है। और वहाँ पर वीवो Z1 Pro की बात किया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ में। कहना की बात दोस्तों यहाँ पर भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस बेटर देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M30s के तरफ। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। गाइस यहां पर VR कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है सैमसंग गैलेक्सी M30s, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप जो इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। कहना की बात दोस्तों सैमसंग की कैमरा तो अच्छा ही होता है, उसी के साथ साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप तो इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी तो धांसू देखने को मिलेगा। और वहां पर वीवो Z1 Pro की बात किया जाए तो वीवो का कैमरा भी बहुत ही अच्छा होता है, यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इसके अंदर भी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस थोड़ा बहुत आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M30s के तरफ। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। गाइस यहां पर सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है वीवो की तरफ से वीवो Z1 Pro, क्योंकि यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसका जो एपरेचर होने वाला है 2.0 एपरेचर जो लुलाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। और वहां पर सैमसंग गैलेक्सी M30s की बात किया है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, इसका जो एपरेचर होने वाला है 2.0 एपरेचर जो लुलाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। कहना की बात दोस्तों यहां पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है सैमसंग गैलेक्सी M30s, और सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है वीवो की तरफ
तरफ से Vivo Z1 Pro। इसके बाद इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, गाइस यहाँ पर बैटरी के बारे में फिर से बाजी मारता है Samsung Galaxy M30s, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 6000 mAh की बैटरी, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर Vivo Z1 Pro की बात किया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, उसी के साथ साथ माइक्रो एसबी पोर्ट, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात किया है तो Samsung Galaxy M30s बाजी मारता है। इसके बाद इस दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में, गाइस यहाँ पर Samsung Galaxy M30s के अंदर आपको दो वेरिएंट स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो आने वाला है 4GB 64GB के साथ 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। और वहां पर Vivo Z1 Pro की बात किया है तो वहां पर भी आपको दो वेरिएंट स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, 4GB 64GB 6GB 128GB वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आउट ऑफ बॉक्स पाई भी देखने को मिल जाएगा। कहने की बात दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस के हिसाब से। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, गाइस यहां पर प्राइस के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Samsung Galaxy M30s, क्योंकि दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 14,000 rupees के अंदर। कहने की बात दोस्तों, 15,000 rupees के अंदर किलर डिवाइस होने वाला है Samsung Galaxy M30s। और वहां पर Vivo Z1 Pro की बात किया तो इसका जो बेस वेरिएंट 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 15,000 rupees के अंदर। दोस्तों Vivo Z1 Pro भी बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है 15,000 rupees के अंदर। लेकिन गाइस इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए दोस्तों, यहाँ पर बताया जाए तो अगर आप Samsung की ब्रांडिंग पसंद करते हो, अगर आपका बजट है 14,000 rupees, तो 14,000 rupees के अंदर Samsung की एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो जिसके अंदर वाटर ड्रॉप ना हो, जिसके अंदर 6000 mAh की बैटरी हो, जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो, जिसका कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ साजेस्ट करूंगा Samsung Galaxy M30s बाय करने के लिए। अगर आप Vivo की ब्रांडिंग पसंद करते हो, अगर आपका बजट है 15,000 rupees के अंदर Vivo की एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जिसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो, जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी हो, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप हो, जिसके अंदर 5 Zone OLED डिस्प्ले हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ साजेस्ट करूंगा Vivo की तरफ से Vivo Z1 Pro बाय करने के लिए। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। गाइस यहां पर बताया तो इस दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है Samsung Galaxy M30s, क्योंकि दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ 14,000 rupees के अंदर, और 14,000 rupees के अंदर आपको ऑल एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो अगर आपका बजट है 14,000 rupees, तो सिर्फ Samsung Galaxy M30s बाय करो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसके अंदर धांसू होने वाला है, 14,000 rupees के अंदर किलर डिवाइस होने वाला है Samsung Galaxy M30s। अगर आप Vivo की ब्रांडिंग पसंद करते हो तो आपके लिए अलग सी बात है, अगर आपका बजट है 15,000 rupees, Vivo Z1 Pro की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह पसंद नहीं है तो आप Vivo Z1 Pro की तरफ भी जा सकते हो, Vivo Z1 Pro बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन है उसका प्राइस का सबसे, क्योंकि दोस्तों 15,000 rupees के अंदर Vivo Z1 Pro भी बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन है, उसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। गाइस यहां पर इस दोनों स्मार्टफोन से और मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है Samsung Galaxy M30s। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।